आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये एग्जाम में इस बार भी आया था, सीबीएसई में स्टैंडर्ड में भी था और बेसिक में भी आया हुआ था ये सेम क्वेश्चन इस टाइप के। तो आप इस पे ध्यान दें और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है कि 100% यही क्वेश्चन आए इस टाइप का। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पुराने वीडियोस में काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को लग रहा है कि आप क्लियर उसको देख ही नहीं रहे। तो आप इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें बड़े आराम से, तो लग नहीं रहा कि कोई डाउट रहेगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, फाइंडिंग द रिमेनिंग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। कुछ जीरोज आपको गिवन होंगी तो बाकी बची हुई जीरोज फाइंड करनी होंगी। तो जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x² की पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 and -√2। तो अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 4 मार्क्स में आता है, तो इसको 4 स्टेप्स में ही हम कंप्लीट करेंगे कि कैसे इसको करना है। अब आपने 9th क्लास में इतना तो सीखा है कि जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 4। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर डिग्री 4 है तो ये क्या इम्प्लाइज करती है कि फैक्टर्स भी कितने होंगे 4। फैक्टर्स 4 होंगे तो जीरोस भी कितनी आएंगी 4। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में कितनी है 4, जिसमें से 2 जीरोस आपको गिवन है, फर्स्ट है √2, सेकेंड है -√2। तो नेक्स्ट 2 जीरोस आपको फाइंड करनी है क्योंकि टोटल कितनी है 4। कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि 2 जीरोस गिवन है तो कितनी और फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आप ये चेक कीजिए कि डिग्री कितनी है उसकी, जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस होंगी। तो अब इसमें डिग्री कितनी है 4, तो जीरोस भी कितनी आएंगी 4, तो मतलब 2 गिवन्स हैं और 2 फाइंड करनी है। तो ये स्टेप क्लियर हो फर्स्ट स्टेप में, बड़ा इजी था ये तो हमारा, 9th में हम पढ़ चुके हैं। मेन जो है अब स्टार्ट होता है, ये हमने अपने 4th लेक्चर में स्टडी किया था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस √2 and -√2 आर गिवन। 2 जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे। स्टेप 2 ये है कि अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनेगी? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - sum of zeros of x + product of zeros। तो सम ऑफ जीरोस में एक जीरोस को पुट किया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट पुट किया, तो हमारे पास जो जी ऑफ एक्स बनी वो क्या बनी? x² - 2। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये क्यों बनाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बनाई इस क्वेश्चन में, या इसको हमने डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं किया? तो अब देखो, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, आप सपोज कर लो कि आपके पास पी ऑफ एक्स है वो 12 है, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर्स हमें जो है वो गिवन है, जो इसकी जीरोज है, जो इसकी क्या है जीरोज, जीरोज मतलब जो इसको डिवाइड करते हैं। जीरोज क्या होती है? जो रिजल्ट को क्या बना दे जीरो, जो रिजल्ट को क्या बना दे जीरो, या जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करें रिजल्ट क्या है जीरो। तो हमने कहा कि 12 है, इसके 2 फैक्टर्स हमने ले लिया कि 2 और 3, 2 जीरोस गिवन है। तो उसने कहा कि फाइंड नेक्स्ट टू जीरोस। तो अब आप खुद सोचो कि आपके पास 2 जीरोस गिवन है, तो 12 है, तो 2 जीरोस 2 और 3 गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट जीरोस क्या ला सकते हैं, यहाँ पे क्या नंबर ला सकते हैं कि 12 बन जाए? 2 3 6, 2 3 कितना हो गया 6। अब नेक्स्ट जीरोस में मैं 2 लिख सकता हूं, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 जीरोस 2 आ गई, और नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 1, तो ये 2 जीरोस बन गई ना 2 और 1। तो यहां पे जो 12 था उसके फैक्टर्स बन गए, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हो इसको, कैसे 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 2 4, 4 3 12, और 1 तो होता ही है, हम लिख सकते हैं 1 भी एक फैक्टर है। तो अब उसने कहा कि जैसे आप इस क्वेश्चन से कंपेयर करो कि आप ये क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक क्यों बनाया हमने, तो ये 12 के क्या है फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं,
तो फैक्टर्स हैं, तो जैसे हमारे इसमें ये फैक्टर्स हो गए, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं, तो इनसे हम जीरोस निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको ये। तो ये हमारे फैक्टर्स गिवन है, तो अगर हम फैक्टर्स, दो फैक्टर्स सपोज गिवन है, अगर हम उनके प्रोडक्ट करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो फोर आ गई। तो ये जो फोर है, ये नंबर इससे क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर आप, तो एक डिवीजन में ये कंसेप्ट भी पता होगा कि हम अगर एक्स के पावर टू को एक्स के पावर फोर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो स्क्वेयर में आएगा। अगर क्वेश्चन स्क्वेयर में आएगा तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, ओनली टू, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि समझ में आया कि हमने ऐसा इसलिए किया। तो हमने ये क्वाड्रेटिक बनाया और इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिवाइड किया। जनरल डिवीजन कैसे किया, 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो 2x स्क्वेयर को फिर इससे क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लीकेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था, वहां से देखना कैसे है। 2x स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से करोगे तो 2x की पावर 4 -4x स्क्वेयर, साइन चेंज किया, कैंसिल आउट, यहाँ पे -3x क्यूब +4 -3 +1x स्क्वेयर +6x-2। अब यहां से माइनस का 3x क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3x। -3x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -3x क्यूब +6x, साइन चेंज, कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स बच गई। फिर देन हमने डिवाइड किया +1, फिर देन मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया हमारे पास, 0। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया, क्या आ गया, ये क्वेश्चन रिमाइंडर क्या है, 0, और ये क्या है, डिवाइजर। तो अब यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करवाया था, सिर्फ इसीलिए करवाया था, ठीक है, कि अगर हमने जैसे 12 के फैक्टर देखे थे तो ये दो जीरोस गिवन थी, नेक्स्ट टू करनी थी, तो हमने प्रोडक्ट इसलिए करवाई ताकि हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल स्क्वेयर में है, इसमें है स्क्वेयर में है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन वैल्यू भी स्क्वेयर में बनेगी। अगर स्क्वेयर में बनेगी तभी उसकी क्या जीरोस निकल के आएंगे, 2। इसीलिए हमने ऐसा किया। तो एक्स 2x स्क्वेयर -3x+1 हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है 2x स्क्वेयर -3x+1 को। फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम कर सकते हैं कि सम करें तो -3x आए और प्रोडक्ट करें तो 2x स्क्वेयर आए। तो ऐसे दो नंबर हमें सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने ये भी सिखाया था कि अगर सम और प्रोडक्ट में डिफरेंस अगर 1 का होता है, डिजिट वाइज वेरिएबल्स में या एक्चुअल डिफरेंस नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे ओनली ऑन डिजिट्स की, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो जनरल हम क्या करते हैं, एक तो प्रोडक्ट लेते हैं फैक्टर्स में और दूसरा क्या लेते हैं, 1, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आए, क्या, 2x-1 और x-1। तो हमारे पास 2x-1=0, तो x कितना आ गया, 1/2। x-1=0, तो x कितना आ गया, 1। तो हमारे पास नेक्स्ट टू जीरोस क्या आ रही, 1/2 और 1, और दो जीरोस तो हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो वेरिफिकेशन कैसी होगी इस डिवीजन एल्गोरिदम की, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, एग्जाम में आएगा तो आपको यहीं तक करना है सिर्फ। उसके बाद हम ये वेरीफाई करके दिखा रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। डिवाइजर हमने क्या सिलेक्ट किया था, x² -2, क्योंकि हमने 2 2 में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 2 2 का आपको फैक्टराइज करना आता है, इसीलिए हमने 2 2 में ब्रेक किया। आप करना चाहो तो 3 3 में 3 का भी ब्रेक कर सकते थे, या 1 में भी करके 1+3 करके भी 0 निकाल सकते थे। 2 2 ज्यादा इजी रहेगा, इसीलिए हमने 2 2 में ब्रेक किया है। तो x² -2 का क्या होगा, a² -b² a-b a+b, और क्वेश्चन क्या आया था हमारे डिवीजन में, 2x² -3x+1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2x-1 और x-1, और रिमाइंडर क्या था, 0। तो यहां से हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए, तो उनकी जीरोस क्या आ गई, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आप इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 1 है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, हमें गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और दो जीरोस आपको गिवन है रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 बाई 3। नेक्स्ट के अंदर सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको टू जीरोस गिवन है 2 प्लस रूट 3 फर्स्ट जीरोस हैं। इससे कंफ्यूज मत होना कि 2 प्लस माइनस रूट 3 का क्या मतलब है। फर्स्ट जीरोस 2 प्लस रूट 3 है और सेकेंड क्या है 2 माइनस रूट 3, तो आपको अलग अलग लेना है। ये दोनों जीरोस ऐसे गिवन होती है एग्जाम में। ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, फाइंड अदर जीरोस। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, हमें गिवन है और टू जीरोस हमें गिवन है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन में तो 4-4 जीरोस हैं और इसमें कितनी है 3, तो इसमें 3 ही निकलेंगी। यहाँ पे हमारे 4 आई थी, इसमें कितनी आएगी 3, तो आपको खुद करनी है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.3 से है, 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है 2.4 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।